हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा नेक्स्ट जो पेल फीमेल वैल्यूज हम पढ़ रहे थे उसका सेकंड पार्ट देखते हैं। तो कल हमने पेल्विस का इंट्रोडक्शन देखा, डेफिनेशन देखी, टाइप्स जो बोन है फीमेल पेल्विस की, पेल्विक की बोन देखी, ठीक है, और कौन कौन सी थी, नॉमिनेट बोन थी, उसके अंदर तीन थी, इलियम, ईस्चियम, प्यूबिक बोन, और उसके बाद में सैक्रम और कॉकिक्स, उसके बाद में टाइप्स जो जॉइंट्स हैं पेल्विक के जॉइंट्स देखे, उसके बाद में पेल्विक के लिगामेंट्स हमने देखे। उसके बाद में आज हम स्टार्ट करते हैं पार्ट्स ऑफ पेल्विस, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऑफ पेल्विस या पार्ट्स ऑफ पेल्विस देखते हैं। तो दो तरह के होते हैं ये पार्ट्स ऑफ पेल्विस, फॉल्स पेल्विस एंड ट्रू पेल्विस। सबसे पहले देखते हैं फॉल्स पेल्विस। इट इज फॉर्म्ड बाय अपर फ्लेड आउट ऑफ पोर्शन ऑफ इलियम, ठीक है। तो ये क्या होते हैं कि जो इलियम का जो अपर आउटर पोर्शन होता है, अपर पोर्शन होता है, जो फ्लेड आउट पोर्शन होता है उससे मिलके उससे बना होता है, ठीक है, फॉल्स पेल्विस, ठीक है। मतलब क्या मतलब है कि जो ये फॉल्स पेल्विस है वो इनोमिनेट बोन की जो इलियम बोन है उसके बीच में स्थित ऊपरी जो पार्ट होता है उससे मिलके बना होता है, ठीक है, और इसका लेबर में ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं होती है। इस तरह की फॉल्स पेल्विस की लेबर के दौरान ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं होती है, ठीक है। तो और इसके जो लेटरल में जो होता है फॉल्स पेल्विस के लेटरल साइड में इलियक फोसा होते हैं, ठीक है। पोस्टीरियर साइड में फिफ्थ लंबर वर्टेब्रा होती है, ठीक है। एंटीरियर साइड में एब्डोमिनल वाल होती है या इनवाइलनल लिगामेंट्स होते हैं, ठीक है, ये इसकी बाउंड्री होती है, ठीक है। इट प्रोटेक्ट द एब्डोमिनल ऑर्गन, और ये एब्डोमिनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है। इट हैज़ टू नो ऑब्स्टेटिकल इम्पोर्टेंस, ठीक है। तो इस फॉल्स पेल्विस की ऑब्स्टेटिकल इम्पोर्टेंस नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं ट्रू पेल्विस। ट्रू पेल्विस इज द बोनी कैनल थ्रू विच द फीटस पासेस ड्यूरिंग बर्थ। इट हैज़ थ्री पार्ट। तो ट्रू पेल्विस क्या होते हैं, ये एक बोनी कैनल होती है जिसके अंदर से फीटस पास होता है ड्यूरिंग बर्थ। इसके भी थ्री पार्ट होते हैं, ब्रीम या फिर इनलेट, ठीक है, दूसरा होता है कैविटी, थर्ड होता है आउटलेट। एक एक करके देखते हैं इनको। सबसे पहले पेल्विक ब्रीम और इनलेट। इट इज़ फॉर्म बाय सैक्रम पोस्टीरियरली, और ये इसके बाउंड्री क्या क्या होती है, किस किस से मिलके बना होता है पेल्विक ब्रीम। जो पोस्टीरियरली तो सैक्रम होता है इसके, ठीक है, और जो लेटरली इसके इलियक बोन्स होती हैं, ठीक है, और एंटीरियर साइड में प्यूबिक बोन्स होती हैं। और उसके बाद में इसके देखते हैं शेप। इट इज़ ऑलमोस्ट राउंडेड, ठीक है, ऑलमोस्ट राउंडेड शेप का होता है ये, विद एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर बीइंग द शॉर्टेस्ट, ठीक है। उसके बाद में इसका जो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर है वो शॉर्टेस्ट होता है। इट बाउंड्रीज आर द सैक्रल प्रोमेंट्री एंड विंग्स ऑफ सैक्रल बिहाइंड द इलियक बोन ऑन द साइड्स एंड प्यूबिक बोन इन फ्रंट, ठीक है। और इसकी जो बाउंड्रीज होती हैं, जो सैक्रल प्रोमेंट्री, इट बाउंड्री आर द सैक्रल प्रोमेंट्री, ठीक है, इसकी बाउंड्री सैक्रल प्रोमेंट्री होती है, और विंग्स ऑफ सैक्रल बिहाइंड द इलियक बोन्स ऑन द साइड एंड द प्यूबिक बोन इन फ्रंट। मतलब इसकी जो बाउंड्री है उसके बारे में है ये कि जो लेटरल साइड में, जैसे मैंने पहले बताया, लेटरल साइड में होता है इलियक बोन्स होगी, और पोस्टीरियर में सैक्रल प्रोमेंट्री होगी, फ्रंट में प्यूबिक बोन होगी, ठीक है। और ये इसके दोनों साइड में क्या होता है कि पेल्विक बीम के दोनों साइड में फिक्स्ड एनाटॉमिकल पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, जिनको कि लैंडमार्क्स बोलते हैं। लैंडमार्क्स आगे बताऊंगी। इसके देखिए, ये है पेल्विक इनलेट, ठीक है, ये होगी सैक्रल प्रोमेंट्री, तो ये होगी सैक्रल प्रोमेंट्री, और ये होगी आपकी प्यूबिक क्रस्ट, ठीक है, प्यूबिक बोन की प्यूबिक क्रस्ट। तो ये
इसकी ये बाउंड्री हो गई, पूरे ये मिलके बना होता है पेल्विक इनलेट। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट है लैंडमार्क्स ऑफ ब्रिम। ब्रिम के लैंडमार्क्स देखते हैं, तो इसके पेल्विक ब्रिम में क्या होता है कि दोनों साइड में फिक्स्ड एनाटॉमिकल पॉइंट होते हैं जिनको कि लैंडमार्क्स बोलते हैं। ठीक है, तो लैंडमार्क्स, 8 लैंडमार्क्स होते हैं इसमें। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? सैक्रल प्रोमेंट्री, सेकंड होता है सैक्रल आला और सैक्रल विंग्स, थर्ड होते हैं सैक्रो इलियक जॉइंट्स, फोर्थ होता है सैक्रो पेक्टिनल लाइन, फिफ्थ होता है इलियो पेक्टिनल एमिनेंस, इलियो प्यूबिक एमिनेंस, सिक्स्थ होता है, उसके बाद नेक्स्ट होता है पेक्टिनल लाइन, उसके बाद में प्यूबिक ट्यूबरकल, उसके बाद में होता है प्यूबिक क्रस्ट, उसके बाद में सिम्फाइसिस प्यूबिस। ये देखिए इस डायग्राम में जो बोनी लैंडमार्क्स हैं, ये सबसे पहले सैक्रल प्रोमेंट्री हो गई, उसके बाद में सैक्रो इलियक जॉइंट, ये होगी सैक्रल प्रोमेंट्री, उसके बाद में ये हो गया सैक्रो इलियक जॉइंट जो यहाँ पे होता है। ठीक है, उसके बाद में इधर हो गया ये आला ऑफ सैक्रम जो कि दोनों साइड होता है, उसके बाद में सैक्रो पोर्शन ऑफ इलियो पेक्टिनियल लाइन, उसके बाद में इलियो पेक्टिनियल एमिनेंस। ठीक है, उसके बाद में है पेक्टिनियल लाइन, उसके बाद में होती है पेक्टिनियल लाइन, उसके बाद में होती है प्यूबिक ट्यूबरकल, प्यूबिक ट्यूबरकल, एंड उसके बाद में होता है प्यूबिक क्रस्ट, एंड जो बीच में होता है सिम्फाइसिस प्यूबिस। तो ये हो गए इसके लैंडमार्क्स। तो ये हमने देख दिए लैंडमार्क्स ऑफ द ब्रिम। उसके बाद में देखते हैं डायमीटर्स ऑफ द ब्रिम। तो डायमीटर्स जो ब्रिम है, इनलेट है, उसके डायमीटर्स देखते हैं, तो उसमें थिन होते हैं। ठीक है, एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर एंड ट्रांसवर्स डायमीटर एंड ऑब्लिक डायमीटर। सबसे पहले एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर। ठीक है, इसके अंदर भी जो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर है, इसके अंदर भी जो है तीन तरह के इसको पार्ट होते हैं, इस डायमीटर के भी 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, तो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर है, वो 11 सेंटीमीटर का होता है। इट इज़ लाइन फ्रॉम द सैक्रल प्रोमेंट्री टू द अपर बॉर्डर ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस। तो ये एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर है, इसको आप एक लाइन मानिए। ठीक है, जो कि सैक्रल प्रोमेंट्री से लगाकर जो सिम्फाइसिस प्यूबिस का अपर बॉर्डर है वहाँ तक होती है ये। ठीक है, और इसके 3 पार्ट होते हैं, 3 टाइप का होता है ये। सबसे पहले होते हैं डायगोनल कंजुगेट। डायगोनल कंजुगेट में क्या होता है कि डिस्टेंस बिटवीन लोअर बॉर्डर ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस टू द मिड पॉइंट ऑफ सैक्रल प्रोमेंट्री। ठीक है, डायगोनल कंजुगेट में क्या होता है कि ये जो सिम्फाइसिस प्यूबिस का लोअर बॉर्डर है वहाँ से लगा के जो सैक्रल प्रोमेंट्री का मिड पॉइंट है वहाँ तक होगा, और इसकी लेंथ जो होती है वो 12 सेंटीमीटर होती है। उसके बाद में सेकेंड इसका होता है ऑब्स्टेट्रिकल कंजुगेट। ऑब्स्टेट्रिकल कंजुगेट में क्या होता है कि इसकी डिस्टेंस का कितनी होती है जो सैक्रल प्रोमेंट्री के मिड पॉइंट से लगाकर टू द प्रोमिनेंट बोनी प्रोजेक्शन टू द मिड लाइन ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस। जो सिम्फाइसिस प्यूबिस की मिड लाइन है, ठीक है, और वहाँ पर जो प्रोमिनेंट बोनी प्रोजेक्शन है वहाँ तक ये होता है ऑब्स्टेट्रिकल कंजुगेट, और इसकी लेंथ होती है 10 सेंटीमीटर। उसके बाद में होता है ट्रू कंजुगेट। ट्रू कंजुगेट की लेंथ होती है सैक्रल प्रोमेंट्री से लेकर टू द टिप ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस, सिम्फाइसिस प्यूबिस के टिप तक होती है ट्रू कंजुगेट, और इसका नॉर्मल मेजरमेंट होता है 11 सेंटीमीटर या फिर इससे ज़्यादा भी हो सकता है। उसके बाद में ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स डायमीटर में इट इज डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्थेस्ट पॉइंट ऑफ पेल्विक ब्रिम ओवर द इलियोपेक्टिनियल लाइंस। ठीक है, तो जो ट्रांसवर्स डायमीटर होता है ये जो होता है 13 सेंटीमीटर का होता है, और
इसका ट्रांसफर डायमीटर का जो डिस्टेंस होता है वो किस किस के बीच में होता है, जो इलियोपेक्टिनियल लाइंस है, ठीक है, पेल्विक रिम की जो इलियोपेक्टिनियल लाइंस है दोनों तरफ, उनके बीच में, उनके बीच की बीच का पॉइंट, ठीक है, इधर मतलब या तो राइट इलियोपेक्टिनियल लाइन से लेकर लेफ्ट इलियोपेक्टिनियल लाइन से, या फिर लेफ्ट इलियोपेक्टिनियल लाइन से लगाकर राइट इलियोपेक्टिनियल लाइन के बीच में हम एक अगर लाइन ड्रॉ करें तो उसकी लेंथ होगी 30 सेंटीमीटर। उसके बाद में ओब्लिक डायमीटर, तो ओब्लिक डायमीटर कहाँ से स्टार्ट होता है, इट स्टार्ट फ्रॉम सैक्रो इलियक जॉइंट्स जो होता है, ठीक है, सैक्रो इलियक जॉइंट्स से लगाकर अपोजिट साइड के इलियो प्यूबिक एमिनेंस होता है वहाँ तक ये ओब्लिक डायमीटर होता है, और इसकी लेंथ होती है 12 सेंटीमीटर। तो आप ये डायमीटर देख सकते हैं, जो इसमें जो सीधी लाइन है वो होगी एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर, ठीक है। ठीक है, और जो आप जो ये होगी एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर जो होती है सैक्रल प्रोमेंट्री से लेकर सिम्फाइसिस प्यूबिस तक, ठीक है, और ये होती है ट्रांसवर्स डायमीटर, ठीक है, ट्रांसवर्स डायमीटर जो दोनों इलियोपेक्टिनियल लाइंस के बीच में होती है, ठीक है, ये इलियोपेक्टिनियल लाइन एंड ये इलियोपेक्टिनियल दोनों के बीच में, और ये होता है लेफ्ट, ये है ये दोनों होती है ओब्लिक डायमीटर, ठीक है, राइट ये लेफ्ट ओब्लिक डायमीटर एंड ये राइट ओब्लिक डायमीटर, ठीक है, जो कि सैक्रो यहाँ पे सैक्रो इलियक जॉइंट से लेकर और अपोजिट साइड के इलियोपेक्टिनियल एमिनेंस तक, यहाँ तक इलियोपेक्टिनियल एमिनेंस तक ओब्लिक डायमीटर होता है लेफ्ट और राइट दोनों। उसके बाद में देखते हैं द पेल्विक कैविटी, उसके बाद में पेल्विक कैविटी, ठीक है, तो इससे पहले हमने देख लिया कि इनलेट, उसके बाद में सेकंड देखते हैं पेल्विक कैविटी। तो पेल्विक इनलेट के या पेल्विक ब्रिम के हमने तीन जो डायमीटर है वो देख लिए, एंटीरियर पोस्टीरियर ओब्लिक एंड ट्रांसवर्स डायमीटर, ठीक है, और सेकंड पेल्विक कैविटी है वो देखते हैं हम, द कैविटी एक्सटेंड फ्रॉम द ब्रिम अबव टू द आउटलाइन बिलो, ठीक है, इट शेप इज ऑलमोस्ट राउंडेड, ठीक है, इसकी शेप भी राउंडेड होती है, और ये जो पेल्विक कैविटी होती है ये पेल्विक ब्रिम और पेल्विक आउटलेट के बीच में स्थित होती है, ठीक है, पेल्विक ब्रिम और पेल्विक आउटलेट के बीच में स्थित होती है पेल्विक कैविटी, और ये राउंडेड शेप की होती है, ठीक है, इसलिए इसको एंटीरियर पोस्टीरियर बॉर्डर, जो इसका जो एंटीरियर पोस्टीरियर और ओब्लिक और ट्रांसफर डायमीटर ये जो इसके होते हैं ये तीनों बराबर होते हैं, ठीक है, तो उसमें तो हमने जो पेल्विक इनलेट था ब्रिम था उसका जो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर वो 11 सेंटीमीटर था, ओब्लिक था वो 12 सेंटीमीटर था, और ट्रांसवर्स जो था वो 13 सेंटीमीटर था, लेकिन इसका जो डायमीटर है पेल्विक कैविटी के तीनों डायमीटर एंटीरियर पोस्टीरियर और लेटरल तीनों डायमीटर जो होते हैं एंटीरियर पोस्टीरियर ओब्लिक और ट्रांसवर तीनों डायमीटर जो होते हैं वो बराबर होते हैं क्योंकि राउंड शेप का होता है, तो तीनों इसमें 12 सेंटीमीटर के ही होते हैं, ठीक है। और हाँ, इसके अंदर जो एंटीरियर बॉर्डर पे पेल्विक कैविटी के एंटीरियर बॉर्डर की तरफ सिम्फाइसिस प्यूबिस होता है, पोस्टीरियर की तरफ सैक्रल होलो होता है, ठीक है, और लेटरल साइड में सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं। उसके बाद में थर्ड है पेल्विक आउटलेट, ठीक है, पेल्विक इनलेट या ब्रीम के ब्रीम सेकेंड था पेल्विक कैविटी, थर्ड है पेल्विक आउटलेट। तो पेल्विक आउटलेट में क्या होता है कि ये एक एनाटॉमिकल आउटलेट होता है, इट कंसिस्ट ऑफ द लोअर बॉर्डर ऑफ ऑल बोन्स एंड सैक्रोट्यूबरल लिगामेंट, ठीक है, तो ये जो सभी बोन्स हैं उनके लोअर बॉर्डर से मिलके बना होता है और सैक्रल
ट्यूबर लिगामेंट से मिलके बना होता है। इट कंसिस्ट ऑफ लोअर बॉर्डर ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस। ये क्या होती है, ये किससे मिलके बना होता है कि जो सिम्फाइसिस प्यूबिस का उसका लोअर बॉर्डर, ठीक है, सैक्रोकोक्सिलियल जॉइंट जो होता है उसका लोअर बॉर्डर और सैक्रोइस्टियल स्पाइन का लोअर बॉर्डर से मिलके ये पेल्विक आउटलेट बना होता है। ठीक है, इसकी शेप जो होती है एंटीरियर पोस्टीरियर ओवल शेप की होती है। क्या इसके पीछे की तरफ सेक्रम और कोकेक्स होती है, ठीक है, और साइड में लेटरल तरफ में ईस्टियल ट्यूब्रोसिटी होती है। ठीक है, और जो प्रेजेंटिंग पार्ट का जो रोटेशन होता है वो भी इसी पार्ट में होता है, पेल्विक आउटलेट में ही होता है। उसके बाद में ऑब्स्टेट्रिकल आउटलेट। आउटलेट हैज ग्रेटर प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस बिकॉज इट इंक्लूड लेवरो पेल्विक स्टेट थ्रू विच द फिटस मस्ट पास। ठीक है, इट इज अदरवाइज नोन एज बोनी आउटलेट शेप, इट इज डायमंड शेप। उसके बाद में उसके देते हैं डायमीटर ऑफ आउटलेट। आउटलेट के डायमीटर इसमें भी तीन होते हैं, एंटीरियर पोस्टीरियर ओब्लिक एंड ट्रांसफर। तो जो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर जो होता है वो होता है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, 13 सेंटीमीटर होता है एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर, जो कि किससे बना होता है, ये सिम्फाइसिस प्यूबिस के लोअर बॉर्डर से लेकर जो सैक्रोकोक्सिलियल जॉइंट हैं उसके उस तक बना होता है। ठीक है, नहीं सॉरी, इसमें इसका जो एंटीरियर पोस्टीरियर जो डायमीटर है उसका जो एक्सटेंशन होता है वो जो सिम्फाइसिस प्यूबिस के लोअर बॉर्डर से लेकर जो टिप ऑफ कोकेक्स है, कोकेक्स का सबसे नीचे की टिप, वहाँ तक होता है ये एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर। ठीक है, इसलिए ये 13 सेंटीमीटर का होता है। उसके बाद में ओब्लिक डायमीटर। ओब्लिक डायमीटर के क्या होता है कि इसके कोई जो निश्चित जो प्लेस नहीं होता है, लेकिन फिर भी इसको कहाँ से मानते हैं, इट एक्सटेंड फ्रॉम राइट एंड लेफ्ट सैक्रोस्पिनियस लिगामेंट्स से लगाकर टू द ऑब्टूरेटर फोरामेन तक। ठीक है, उसके बाद थर्ड है ट्रांसफर डायमीटर। ठीक है, ट्रांसफर डायमीटर 11 सेंटीमीटर का होता है, और ट्रांसफर डायमीटर किसके किसके बीच में होता है, बिटवीन द ईस्टियल स्पाइंस, जो दोनों तरफ की ईस्टियल स्पाइंस हैं उनके बीच में ट्रांसफर डायमीटर होता है, जो कि 11 सेंटीमीटर का होता है। उसके बाद में देखते हैं टाइप्स ऑफ पेल्विस। पेल्विस के टाइप देखते हैं तो 4 टाइप के होते हैं पेल्विस। ठीक है, सबसे पहले होता है गाइनेकोइड, उसके बाद में होता है एंथ्रोपोइड, फोर्थ होता है एंड्रॉइड, एंड थर्ड होता है एंड्रॉइड, एंड फोर्थ होता है प्लेटी पेलोइड। सबसे पहले होता है गाइनेकोइड पेल्विस 50%, तो ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है वुमेंस में, गाइनेकोइड पेल्विस 50%। इट इज़ कॉमनली नोन एज द फीमेल पेल्विस बिकॉज दैट दे अकर मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन वुमेन, मोस्ट सुटेबल फॉर चाइल्ड बर्थ। ठीक है, इस तरह का जो पेल्विस होता है गाइनेकोइड पेल्विस, ये चाइल्ड बर्थ के लिए मोस्ट सुटेबल होता है। इसमें ब्रिम जो होता है वो वाइडर होता है, ठीक है, और जो ईस्टियल स्पाइंस होते हैं वो ब्लंट होते हैं। ठीक है, और सब प्यूबिक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है इसमें। एंथ्रोपोइड पेल्विस जो होता है वो 25% पाया जाता है। इट फेवर ए पोस्टीरियर पोजीशन ऑफ द फीटस। ठीक है, ओवल इज शेप, ओवल शेप का होता है ये। ट्रांसफर डायमीटर इज शॉर्टर। ट्रांसफर डायमीटर जो होगा वो इसमें शॉर्टर्स होता है, लेकिन एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर ये इसमें लॉन्ग होता है, इसलिए ये ओवल शेप का होता है। टीन सीन इन टेल वुमेन विद नैरो शोल्डर। ठीक है, जो टेल वुमेन होती है और जिनके शोल्डर नैरो होते हैं उनमें ये पाया जाता है। थर्ड होता है एंड्रॉइड पेल्विस, जो कि 20% में पाया जाता है। इट इज़ कॉमनली नोन एज मेल पेल्विस बिकॉज इट अकर मोर फ्रिक्वेंटली इन मेल। ठीक है, तो इसको मेल पेल्विस के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये
मेल्स में ज़्यादातर ये एंड्रॉयड पेल्विस ही होता है, ठीक है। और इसका जो ब्रीम होता है वो हार्ट शेप का होता है, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं। और एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर शॉर्ट होता है इसका, और ट्रांसफर डायमीटर जो होता है वो वाइड होता है। और इस तरह का अगर पेल्विस फीमेल में होता है वो, तो वो चाइल्ड बर्थ के लिए डिफ़िकल्ट होता है। उसके बाद में फोर्थ होता है फ्लेटी पेलोइड या फ्लैट पेल्विस, ये 5% पाया जाता है वुमेंस में। दिस टाइप ऑफ पेल्विस इज रेयर, ठीक है, ये बहुत रेयर हो रहा है क्योंकि 5% होता है। और किडनी शेप का ब्रिम होता है इसमें, किडनी शेप का ब्रिम होता है, ठीक है। और एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर स्मॉल होता है, लेकिन ट्रांसफर डायमीटर इसमें वाइडर होता है। नॉट कंडक्टिव टू वेजाइनल डिलीवरी, ठीक है, वेजाइनल डिलीवरी के लिए भी ये सुटेबल नहीं होता है, ठीक है। ये होता है प्लेटीपेलोइड। इसको याद रखने के लिए प्लेटीपेलोइड, तो देखिए ये एक प्लेट की तरह है इसका शेप, ठीक है, तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं। उसके बाद में कुछ डिफॉर्मिटीज़ होती हैं पेल्विस की, ठीक है। तो सबसे पहले होता है कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस। कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस होता है, तो सबसे पहला है कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस, ठीक है। सेकंड है लेचिटिक पेल्विस। कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस में जो जो पेल्विस कॉन्ट्रैक्टेड हो, ठीक है, अपनी नॉर्मल शेप में ना होकर कॉन्ट्रैक्टेड हो। सेकंड है रेचिडिक पेल्विस। रेचिडिक पेल्विस होता है कि एक तरह का कॉन्ट्रैक्टेड या डिफॉर्म पेल्विस होता है, ठीक है, रिजल्टेड बाय सॉफ्टनिंग ऑफ बोन इन अर्ली लाइफ, ठीक है। जो अर्ली लाइफ में जब बोन की सॉफ्टनिंग हो जाती है, तो उस वजह से जो पेल्विस है वो कॉन्ट्रैक्टेड या डिफॉर्म्ड हो जाता है, तो उसको बोलते हैं रेचिडिक पेल्विस। थर्ड है एसिमेट्रिकल पेल्विस, ठीक है, पेल्वी का इन अन जो अलाइनमेंट है पेल्वी का वो अनइवन होना, ठीक है। उसके बाद में रॉबर्ट पेल्विस। तो रॉबर्ट पेल्विस में क्या होता है कि जो आला ऑफ सैक्रम होते हैं वो दोनों साइड के ही एब्सेंट होते हैं, ठीक है। और नेगलेस पेल्विस में क्या होता है, जो आला ऑफ सैक्रम होते हैं वो वन साइड के एब्सेंट होते हैं, ठीक है। तो रॉबर्ट में तो दोनों साइड के आला ऑफ सैक्रम एब्सेंट होते हैं, और नेगलेस में वन साइड के आला ऑफ सैक्रम एब्सेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद मोस्टोमलेशिया एंड या फिर मैकोस्टियन पेल्विस। तो ये जो विटामिन डी की डेफिशिएंसी या कैल्शियम की डेफिशिएंसी कारण ऐसा और ये कंडीशन होती है, ठीक है। उसके बाद में एसिमिलेशन पेल्विस। तो एसिमिलेशन पेल्विस मतलब क्या होता है कि जो इलियम जो वर्टेब्रल से जुड़ी होती है, वर्टेब्रल कॉलम से जो जुड़ी होती है, ठीक है, तो या तो वो वर्टेब्रल कॉलम पे हाई लेवल पे जुड़ी होगी या फिर लो लेवल पे जुड़ी होगी, ठीक है। जो नॉर्मल जो जहाँ पे जुड़ना होता है इलिया और वर्टेब्रल का जहाँ नॉर्मल जहाँ जहाँ वो आर्टिकुलेट होती है उससे या तो हाई लेवल पे जुड़ना या फिर लो लेवल पे जुड़ना, ठीक है, या फिर जो लंबर वर्टेब्रा है उनमें भी जो नंबर है जो लंबर वर्टेब्रा का जो नंबर है उनमें भी या तो वो इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज़ हो सकता है, ठीक है, या तो लंबर वर्टेब्रा ज़्यादा होगी या कम होगी, उस वजह से भी ऐसी कंडीशन होती है, ठीक है। और उसके बाद में अदर जैसे काइफोसिस, स्कोलियोसिस, स्पैंडलोस्थेसिस, इसमें क्या होता है कि जो पेल्विक है वो या तो पोस्टीरियरली टीट हो जाता है या फिर जो पेल्विक है उसमें कर्वेचर आ जाता है, ठीक है। तो ये कुछ डिफॉर्मिटीज है पेल्विस की। ओके, थैंक यू।